सो हे गाइस, नमस्ते, केम छो फ्रॉम अहमदाबाद गुजरात। मैं हूं आपका होस्ट कुणाल चौहान एंड आप देख रहे हैं यात्री नामा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं अहमदाबाद की टॉप टूरिस्ट प्लेसेस एंड यहां पे क्या क्या है करने के लिए। सो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, काफ़ी सारी डिटेल्स मैं आपको देने वाला हूं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, अहमदाबाद में मैं रुका हुआ हूँ यहाँ की ओल्ड सिटी में, जहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे पुराने घर, छोटी छोटी गलियाँ और अहमदाबाद के फेमस पोल। तो दोस्तों, अहमदाबाद की पोल में कुछ टाइम वक्त बिताने के बाद अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ साबरमती आश्रम के लिए। और अभी मैं हूँ यहाँ के एलिस ब्रिज पे। ये एलिस ब्रिज का मेन चौराहा चौक है, तो यहाँ से ऑटो वगैरह चलते हैं गांधी आश्रम के लिए। चलिए अब चलते हैं वहाँ। सो गाइज, मैंने एंट्री कर ली है इस आश्रम में, और यहाँ पर एंट्री करने के लिए कोई भी आपको चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। और इधर सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा ये म्यूजियम, तो चलिए पहले इसको विजिट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो आश्रम है वो समर्पित है फादर ऑफ द नेशन गांधी जी को। यहाँ पे उनका ये उनका घर था, यहाँ पे वो कई साल रहे हैं एंड यहीं से उन्होंने कई सारे फ्रीडम जो मूवमेंट्स हैं, जो लड़ाइयाँ हैं, वो यहाँ से स्टार्ट हुई है। इनफैक्ट जो फेमस दांडी मार्च की यात्रा है वो भी इसी साबरमती आश्रम से शुरू करी थी उन्होंने। सो इस आश्रम में आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा गांधी जी की लाइफ के बारे में। यहाँ पर म्यूज़ियम है, गैलरीज हैं, और जहाँ पे वो रहते थे वो कुटिया देखिए आप मेरे पीछे देख सकते हैं। यहाँ पे वो अपनी वाइफ के साथ, जो कस्तूरबा देवी जी थी, उनके साथ रहते थे यहाँ पे। और फ्रेंड्स, यहाँ की बैक साइड से आपको देखने को मिल जाएगी ये साबरमती रिवर। कुछ ऐसा व्यू है यहाँ से। सो गाइस, महात्मा गांधी आश्रम के बाद अब मैं आ गया हूँ यहाँ के कैलिको टेक्सटाइल म्यूजियम में। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये मेन गेट है, बट अनफॉर्चुनेटली ये म्यूजियम अभी बंद है। ये एक्चुअली कोविड के टाइम से ही बंद है, अभी तक खुला ही नहीं है। तो ये अगर आप अहमदाबाद आ रहे हैं तो ये लिस्ट में आपकी ज़रूर होना चाहिए। अंदर एक टेक्सटाइल का म्यूजियम है, टेक्सटाइल का वर्क आपको देखने को मिलेगा। तो आप जब भी आए तो यहाँ पर एक बार पता कर लीजिएगा ये खुला है नहीं, और खुला है तो यहाँ पर आप एक बार ज़रूर आए। सो फ्रेंड्स, टेक्सटाइल म्यूजियम के बाद अब मैं आ चुका हूँ यहाँ के हटी सिंह जैन टेम्पल में, जो कि अहमदाबाद का एक प्रसिद्ध जैन मंदिर है। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं इस साइड, ये पीछे मंदिर है एंड ये है यहाँ का पार्किंग एरिया। तो चलिए देखते हैं, विजिट करते हैं इस मंदिर को और कैसा है दिखाता हूँ आपको ये मंदिर। सो फ्रेंड्स, एंटर करते ही आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा ये स्तंभ, ये है कीर्ति स्तंभ। एंड इस साइड अगर आप देखेंगे तो ये है हटी सिंह निवाड़ी, यानी हटी सिंह जैन टेम्पल। सो फ्रेंड्स, ये जो जैन टेम्पल है वो डेडिकेटेड है 15 जैन तीर्थंकर धर्मनाथ जी को। तो काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है एंड अंदर से भी मंदिर काफ़ी सुंदर है। हालांकि मंदिर के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, इसलिए मैं आपको कुछ भी नहीं दिखा पाया। जनरली कहीं पे भी नहीं होती है ना, तो मैं दिलवाड़ा में भी गया हूँ, दिलवाड़ा जैन टेम्पल, वहाँ पे भी अलाउड नहीं था, वहाँ तो फ़ोन भी नहीं ले जा सकते अंदर। एंड यहाँ पर भी अलाउड नहीं है, सिर्फ एक रणकपुर जैन टेम्पल है वहाँ पर अलाउड थी, बट यहाँ पर कुछ भी अलाउड नहीं है अंदर। सो ये था पूरा हटी सिंह जैन टेम्पल। तो दोस्तों, ये है यहाँ का भद्रकाली का मेन मंदिर एंड इधर आप देखेंगे तो ये सब यहाँ मार्केट बना हुआ है, भद्र मार्केट। एंड उस साइड अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे है भद्र फोर्ट। तो ये है पूरा यहाँ का इलाका।
सो दोस्तों, ये था यहाँ का बद्र फोर्ट का इलाका। तो यहाँ पे बद्र फोर्ट है वो अभी बंद है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। पास ही में था वहाँ का भद्र मार्केट और भद्र काली जी का मंदिर, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ का। यहाँ पे और कुछ ज़्यादा है नहीं। तो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ अहमदाबाद की एक बहुत ही बढ़िया जगह काकड़िया लेक। तो चलिए चलते हैं और मज़े करते हैं वहाँ पे। तो फ्रेंड्स, मैं पहुँच गया हूँ यहाँ पे काकड़िया लेक पे, एंड ये है मेरे पीछे यहाँ का गेट नंबर 3। तो यहाँ से अब एंटर होना है और इधर साइड में है यहाँ का टिकट काउंटर। तो पहले टिकट ले लेते हैं और उसके बाद चलते हैं अंदर लेक फ्रंट पे। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं, ये है पूरी यहाँ की फेमस कंकड़िया लेक। बीच में वहाँ पे एक टापू बना हुआ है जो कि है नगीना वादी। वहाँ पे रात में लाइट एंड साउंड शो होता है, जो मैं आपको रात में दिखाऊंगा। एंड ये है, इधर देखिए, ये है पूरी लेक। सो दोस्तों, ये जो लेक है टूरिस्ट के बीच काफ़ी पॉपुलर है। आप यहाँ पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ वगैरह होती है जिनका आप मज़ा उठा सकते हैं। यहाँ पे बोटिंग होती है, बलून राइड होती है, टॉय ट्रेन होती है, यहाँ पे जू है, एक्वेरियम है और भी बहुत कुछ है। तो सबको दिखाने वाला हूँ मैं आपको कि कंकड़िया अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं देखने जा रहा हूँ यहाँ का जू, क्योंकि वो 5-6 बजे बंद हो जाता है। तो पहले इसको विजिट कर लेते हैं। सो गाइस, यहाँ का जो टिकट प्राइस है वो है 50 रुपये का। तो अब देखते हैं 50 रुपये में यहाँ कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले एलिफेंट, बियर, जैकार्ड एंड टाइगर इस साइड। चलो, तो ये देखो यहाँ का हाथी मस्त सूंड हिला रहा है अपनी। तो यहाँ पे सांप भी है। चलिए सांप भी दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों, ये था कंकड़िया का जू। तो 50 रुपये में बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा आपको, हाथी, घोड़ा, चीता, सांप सब देख सकते हैं हम यहाँ पे आके। तो आप देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या है। तो ये था छोटा सा प्ले एरिया बच्चों के लिए। सो फ्रेंड्स, ये है पूरा कंकड़िया लेक का मैप, एंड यहाँ पे सारी एक्टिविटीज दे रखी हैं। ये सब एक्टिविटीज आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे अंदर आपको रेस्टोरेंट वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे खाने पीने के हिसाब से। तो यार, ये था यहाँ का छोटा सा एक्वेरियम, मात्र 5 रुपये की इसकी टिकट थी। चाहे तो देख सकते हैं। तो यार, ये जो कंकड़िया है ये काफ़ी बड़े एरिया में है। तो अगर आप घूमते घूमते थक जाए तो यहाँ पे साइकिल वगैरह की सुविधा भी उपलब्ध है। आप साइकिल लें और घूमें पूरा कंकड़िया। और साइकिल स्टैंड के पास में यहाँ पे एक बटरफ्लाई पार्क भी है, तो आप चाहें तो इसको भी विजिट कर सकते हैं। 10 रुपये इसकी टिकट है। और यहाँ पे आप, ये सेगवे राइड हो रही है तो इसका मज़ा भी आप ले सकते हैं। 90 रुपये इसका टिकट है और मज़े लीजिए। तो ये जो ट्रैक आप देख रहे हैं, ये है यहाँ की जॉय राइड के लिए ट्रैक, बट यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो ये बंद है। सो गाइस, ये जो लेक है ना काफ़ी बड़े एरिया में फैली हुई है, एंड काफ़ी चलना पड़ेगा आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे करने के लिए काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि मैंने आपको दिखाया। तो आराम से आप 5 से 6 घंटा मान के चलिए कि आपको यहाँ पे लग जाएंगे अगर आप आएंगे तो, और इन सारी एक्टिविटीज़ को एंजॉय करते हैं। तो अब शाम का समय हो गया है तो अब बैठ के यहाँ पे चिल कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं खुद थक चुका हूँ यहाँ पे घूमते घूमते। पूरा चक्कर मैंने मार लिया है इस लेक के किनारे घूमते घूमते। सो काफ़ी अच्छा लगा मेरे को यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, अब शाम का समय हो गया है यहाँ पे, एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रीट्स पे लाइटिंग वगैरह हो चुकी है पूरी। और लेक देखिए, लेक के चारों तरफ भी आपको यहाँ पे पूरा लाइटिंग वगैरह देखने को मिल जाएगी। तो काफ़ी सही माहौल हो गया है।
चहल पहल बढ़ चुकी है यहाँ पे। इस समय काफ़ी पब्लिक आ जाती है शाम के समय यहाँ पे घूमने। तो अब आप देखें यहाँ के रात के कुछ नज़ारे। एंड फ्रेंड्स यहाँ पे एक सेल्फी पॉइंट भी है आई लव कंकड़िया करके, तो यहाँ पे आप फोटो वगैरह भी खिंचवा सकते हैं, यहाँ पे लोग खिंचवा रहे हैं फोटो। सो गाइस अब मैं आ गया हूँ नगीना वादी पे, जो हमारा शाम का प्लान था। तो ये यहाँ से एंट्री है, यहाँ पे रात में लाइट एंड साउंड शो होता है, तो टिकट ले लेते हैं, उसके बाद दिखाता हूँ आपको कैसा होता है यहाँ का शो। सो गाइस मैंने टिकट ले ली है, कुछ 20 रुपये की टिकट है और ये है रास्ता, चलिए चलते हैं। सो मैं आ तो गया हूँ यार अंदर, बट अभी शो शुरू नहीं हुआ है। शो मेरा जो है 7:30 बजे का है, कुछ 20 मिनट का शो होता है, तो देखते हैं कैसा जाता है शो। सो गाइज ये था यहाँ का फाउंटेन शो, जो कि एकदम जबरदस्त था यार, मतलब मजे आ गए। 20 मिनट का पूरे हुए पता ही नहीं चला, तो काफी बढ़िया था यार। अगर आप कनकरड़ी आ रहे हो तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। सो अब रात हो गई है और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ मानिक चौक की तरफ, तो चलिए चलते हैं और दिखाता हूँ आपको यहाँ की मानिक चौक। तो दोस्तों आपने टकीला शॉट तो काफी सुने होंगे, बट इस मार्केट में आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे फ्रूट शॉट। तो ये है भैया, कौन कौन सी वैरायटी रखते हो आप, कौन कौन से तरह के शॉट है यहाँ पे? अच्छा ये फेमस कौन सा, फेमस होता है जामुन, जामुन सबसे फेमस होता है, कौन सा वाला है इनमें से जामुन? ये तो ये यार ये यहाँ का फेमस है काफी, मैं ट्राई करता हूँ उसके बाद देखते हैं आपको बता। भाई लोग ये है अपना जामुन शॉट, ये आ गया है ये देखिए, और काफी अच्छा है टेस्ट वाइज। सो फ्रेंड्स ये था यहाँ का मानिक चौक का मार्केट, जो कि काफ़ी पॉपुलर मार्केट था। तो ये जो मार्केट है रात के 9 से 1 बजे तक लगता है, तो यहाँ पे एक बार ज़रूर आए। सो गाइस इस वीडियो के लिए बस इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को आप कर सकते हैं सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।